गाइस, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, आपका मल्टीपल अकाउंट है यानी बहुत सारे अकाउंट बन चुका है और आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, कारण जो भी हो, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए यानी परमानेंटली के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली के लिए डिलीट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली से इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहां डिटेल के साथ जानते हैं किस तरह से डिलीट किया जाता है। अगर आप भी डिलीट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आप भी ओपन कर लीजिए और मेरे साथ जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो कीजिए। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो गाइज, मैं आ चुका मोबाइल के होम स्क्रीन पर। चलिए इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। आप भी मेरे साथ साथ इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए और जो जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो कीजिए। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद तरह से इंटरफेस शो हो जाता है और नीचे आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जो आपका प्रोफाइल है नीचे दिखाई देगा, नीचे प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। होने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट दिखाई देगा, सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ दिखाई देगा नोटिफिकेशन, फॉलो एंड इनवाइट, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, इस तरह से बहुत सारे दिखाई देगा। यहाँ कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आप डिलीट कर सकते हैं। नीचे देखिएगा लॉग आउट ऑल अकाउंट, लॉग आउट अकाउंट, एड और स्विच अकाउंट। तो इस पर किसी भी आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको दिखाई देगा हेल्प, सिंपली हेल्प पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन शो करने लगा है, आपको हेल्प सेंटर में क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली 3 डॉट वाला ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ, इंस्टाग्राम फीचर्स, मैनेज योर अकाउंट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको मैनेज योर अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको यहाँ डिलीट योर अकाउंट, सिंपली आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक इंटरफेस शो हो जाएगा। इंटरफेस इस तरह से शो हो गया। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, टेम्पररी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्सेस योर डाटा ऑन इंस्टाग्राम। सिंपली आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइज, इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको सिंपली डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन शो हो जाता है। सिंपली आपको यहाँ दिखाई देगा टेम्पररी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक इंटरफेस शो हो जाएगा और आपको यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि कहाँ से हम डिलीट करें। तो सिंपली आपको यहाँ एंड्रॉयड ऐप हेल्प, हाँ आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड हेल्प, एंड्रॉयड ऐप हेल्प, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, आईफोन ऐप हेल्प, कंप्यूटर हेल्प, मोबाइल ब्राउजर हेल्प, एंड्रॉयड ऐप हेल्प। तो सिंपली आपको मोबाइल ब्राउजर हेल्प इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस सिंपली इस पर मोबाइल ब्राउजर हेल्प इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ, तो गाइस इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ शो करेगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको यहाँ शो करेगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी पोस्ट आप डाले हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइज आपको यहां एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट योर अकाउंट, यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट योर अकाउंट। गाइज इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। जो आपका इंस्टाग्राम में पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाए हैं, जो भी आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ व्हाई डू यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे,
इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन शो हो गया है, प्राइवेसी कंसर्न कांट फाइंड पीपल टू फॉलो, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो सिंपली आप जो भी आपका रीज़न है डिलीट करने का आप वहाँ टिक कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट अ सेकंड अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड यहाँ इंटर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पासवर्ड इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ दिखाएगा डिलीट का ऑप्शन। सिंपली जो भी आपका अकाउंट है यहाँ डिलीट का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका अकाउंट डिलीट नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।